देशभर में आजाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई। रेवाड़ी में स्वतंत्रता सेनानी परिवार संघ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में नेताजी की 126वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएसपी पवन कुमार मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सुरेखा हॉस्पिटल से डॉक्टर फतेह सिंह व डॉक्टर सुरेखा यादव विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद श्रीमद्भागवत गीता पुस्तक भेंट की गई। देशभर में आज मंगलवार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। नेताजी की जयंती समारोह पर प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से भी नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। रेवाड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। पार्क में नेताजी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि डीएसपी पवन कुमार व समाजसेवी डॉक्टर फतेह सिंह तथा डॉक्टर सुरेखा यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सभी आज़ाद हिंद फौज के वर्तमान सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा एवं श्रीमद्भागवत गीता पुस्तक देकर डॉक्टर फतेह सिंह यादव व सुरेखा यादव ने सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और नेताजी के जीवन आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जय भारत और दिल्ली चलो जैसे नारों से उन्होंने देश के युवाओं में देशभक्ति की लौ जलाई थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में पहले ये महात्मा गांधी के साथ थे, लेकिन बाद में अलग होकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इसके बाद साल 1943 में 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनकी फ़ौज से जुड़ सकें। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार संघ के जिलाध्यक्ष प्यारेलाल ने सरकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बने पार्क की देखरेख एवं सौंदर्यकरण की मांग उठाई है। इस मौके पर संस्था की ओर से मुख्य अतिथि डीएसपी पवन कुमार और अन्य आगंतुकों को श्रीमद्भागवत गीता पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र के जन्म उत्सव पे 126वां जन्मदिन था, उस पे हम सब इकट्ठे हुए और उनको श्रद्धांजलि दी या उनको माला अर्पित की। और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से अपने देश में सुख और शांति से सांस ले रहे हैं और उनका स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय और असमणीय योगदान था। तो आप उसको किसी अक्षरों में किसी लैंग्वेज से किसी भाषा से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ही वॉज अल्टीमेट द स्प्रिंग टाइगर ऑफ इंडिया। क्या उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसे प्रोग्राम आप करते रहें? हम कोई करे ना करे तो सब विश्वास और श्रद्धा की बात है। अगर हम अपने इन बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को अगर नमन नहीं कर सकते तो हम किसको नमन करेंगे? अपना कीमती समय भी निकालना होगा और अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स ने हमारे ग्रैंडफादर ने जो सेक्रीफाइस किया हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कौन हैं। और इनकी तो अब हमने सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो दी लोगों को, हम उनकी फ़ोटो की तरफ देखते हैं तो हमें वैसे ही रोना आ जाता है कि इन्हीं के दिए हुए दिन हैं जिससे ये हिंदुस्तान एक बड़ी चैन की सांस ले रहा है। ये तो बहुत ही ये हम ये नहीं कह सकते। देखो सुभाष चंद्र बोस की हम जीवनी को पढ़ते हैं तो बेसिकली इसकी जीवनी आईएएस करने के बाद भी ये तो वनों में ही जा रहा था साधु बनने के लिए, पर किसी ने कहा कि आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपको आपकी ज़रूरत हिंदुस्तान को है।
और ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस था, आईएएस क्लियर करने के बाद भी उसने किसी गवर्नमेंट जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया और मैदान में कूद पड़े, और ये तो हम करते ही रहेंगे और ये हमने बेड़ा उठाया है, तो जब तक हम जिंदा हैं इसको जारी रखेंगे। जाहिदपुर से स्वतंत्रता सेनानी परिवार संगठन का जिलाध्यक्ष, और मैं अपनी टीम के साथ, ये पहला प्रोग्राम है हमारा, अभी 4 महीने पहले हमने संगठन बनाया है, और मैं अपने संगठन से, अपने भाइयों से यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर संगठन में, और अपने इस महान नेता की आने वाली पीढ़ी को याद दिलाने के लिए कुछ अच्छा काम करके जाएं। और हम जब तक जिंदा हैं हम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष जी की जयंती मनाते रहेंगे। विशेष मांग है इस सुभाष चंद्र बोस पार्क को सौंदर्यकरण किया जाए, जो दयनीय हालत में है, इसका थोड़ा देख करके इसको अच्छा बनाया जाए, जिसके पत्थरों पर जो नाम लिखे हुए हैं उनकी पेंट भी निकली हुई है, और जो सीढ़ी लगी हुई है चबूतरे की, जो छत लगी हुई है वो सुभाष के सिर पर टिकने के नज़दीक है, इसको ऊपर किया जाए। सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानी के वारसान, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम उन महानुभावों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण की बाजी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के नहीं, बल्कि भारत माता को आजाद करने के लिए नौछावर किए हैं, उनको मैं आप सबकी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तार से स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन कठिनाई में गुजारा, माँ पिता और बेटा दोनों को एक दूसरे को पहचाने से नजरअंदाज हो गए, तो उनके ऊपर कितनी कठिनाई गुजरी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 24 जुलाई 2023 को देश में पहली बार 15 अगस्त 1947 से लेकर और 31-30 जून 2023 तक जितने भी शहीद हुए हैं उसमें मेरे पास ये लिस्ट नहीं थी। उनकी याद में रेवाड़ी में पहला शहीद समर्थि वन बनाया, उसमें मैंने श्री योगेंद्र यादव लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी हेक्टर को बुलाया, डीसी साहब जो यहाँ के तत्कालीन डीसी खान साहब थे वो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की, लगभग 3000 आदमियों की गैदरिंग थी, और उसमें हमने हीरो ग्रुप का एक अधिकारी बुलाया जिसमें पूरे रेवाड़ी जिला के 235 आदमी स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर है उनको छोड़कर 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जून 2023 तक आजाद हुए हैं, उनके परिवार को सभी को सम्मानित किया और उनकी याद में एक एक पेड़ उनके परिवार के हाथ से लगाया और उसका नाम रखा हमने शहीद समर्थि वन। और अब मैंने उन शहीदों की याद में एक मीनार बना रहे, हमने प्रपोजल बना के हीरो ग्रुप को भेजा हुआ है, उसमें सभी की जीवनी को अंकित करेंगे हम, रेवाड़ी में पहला होगा, इसलिए आप फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्रता सेनानी यहाँ परिवार के सदस्य बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध मेरा यह है कि आप भी हमारी गलती का आपका हम टच नहीं कर पाए, हमने ज्ञान नहीं था, गलती देर भी दुरुस्त हुए, परंतु आपसे अनुरोध है कि आप अपने जो दादा थे, पिताजी थे, भाई थे, जो भी थे स्वतंत्र, उनकी जीवनी हमारे को प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो मुख्य में आउट करेंगे उसमें 24 जुलाई से पहले पहले उसमें हम शामिल करें, अगले शहीद समर्थि वन हम बनाएंगे उसमें सभी एक कंप्लाइंट होगा, 200 फुट का मीनार होगा, उसमें रेवाड़ी जिले के शहीद जितने भी शहीद हैं आज तक उनका सबकी जीवनी का विचार होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसकी प्रेरणा ले सके, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे, यही तो मतलब है आज शहीद दिवस अपने भक्त अपने सुभाष चंद्र जी जयंती को इसलिए तो मना रहे हैं कि हमारे महान पुरुष देश के प्रति कितने वफादार थे, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, आने वाली पीढ़ी अपने ऊपर धरा उस पर कन्वर्ट कर सके, इसी तरीके से जीवनी बनाएंगे, एक पार्क बना रहे हैं, उसमें आप मेरा भी एक ही अनुरोध था, ज्यादा बात नहीं करते हुए
कि आप जितने भी रेवाड़ी जिले में लगभग 200 के लगभग 200 के लगभग फ्रीडम फाइटर हैं, इन सभी साथियों जो साथी आए इन सबसे अनुरोध है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे टच है, उनके सभी का हमारे पास अपनी जीवनी दें, उनकी पूरी जीवन की घटनाक्रम दें। हम उस किताब में रेवाड़ी का हीरवाल विरासत एक सम्मेलन करेंगे और शहीदों को नमन करके उसमें सारे दर्ज करेंगे। शहीरवाल विरासत का एक सम्मेलन 24 जुलाई 2024 को करेंगे, उन सभी को जोड़कर इसको विरासत में शामिल करेंगे। यही संदेश हमें देना चाहिए। जय भारत। माननीय नेताजी का जयंती प्रोग्राम हो और इस तरह की सुस्ती को दूर करते हुए एक बार पुनः दोबारा से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या ये देश उन्हीं का है जो सरहदों पे मर जाते हैं, अपने लहू का टीका अपने माथे पर कर जाते हैं, अपने लहू का टीका अपने माथे पर कर जाते हैं। जब जब आए देश पे विपत्ति सैनिक बनना पड़ता है, जब जब आए देश पे विपत्ति सैनिक बनना पड़ता है, उसी सैनिक की भूमिका में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपके समक्ष मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हुए आप सभी को जय हिंद। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के जो भी यहाँ पे उपस्थित जन है मैं उनको सच्चा नमस्कार करता हूँ। आज उनके प्रति अपने स्नेह और प्रेम और आस व्यक्त करते हुए कि आज यहाँ की संख्या को ना देखें कि हम कुछ ही चंद लोग यहाँ बैठे हैं, संख्या मायना नहीं रखती, मायना भावना रखती है। आप सबकी भावनाएं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आपके परिवारों के आपके बुजुर्गों की जो भावनाएं थी उसी के तहत माँ भारती आज़ाद हुई। हंसते हंसते छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम फांसी के तख्तों पे झूले और ये जो शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस जिनके नाम पे आज कहते हैं शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर्ष वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिर निशा होगा। ये आखिरी निशानियां जो आज होंगी और मैं एक कि आजादी के सही सुभाष चंद्र बोस से सीखें। जब भगत सिंह जी जेल में थे तो उनसे कुछ लोग